हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सुपर कोचिंग बैंकिंग बाय टेक्स बुक जैसा आपने सेशन में थंबनेल में देख लिया होगा दैट टुडे इन दिस से जो कट ऑफ रही है फॉर योर आई बी पी आर आर बी एग्जामिनेशन स्पेशली इन प्रिलिम्स इसको हमने आज डिस्कस करने का प्लान किया है एंड वी वेरी वेल नो दैट बहुत टाइम से आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है एंड कहीं ना कहीं आपने आपका ये कट ऑफ भी आपने देख ली होंगी बट एक जगह पे कंपेयर करना वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आपको देता है बिकॉज आपको पता है कि कट ऑफ्स यहाँ पे दो अलग अलग सेक्टर्स में वेरी करती है पहला तो जिस स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वहां पे स्टेट वाइज भी चीज़ें अलग होती हैं कई स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है कहीं पे थोड़ी कम जाती है प्लस उस स्टेट के अंदर भी फिर किस कैटेगरी से आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है वहां पर फिर दूसरी बार वो कट ऑफ थोड़ी सी वेरी करती है तो आज मतलब वैसे आप कट ऑफ देखेंगे तो काफी एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना आपको भी उसमें उतना क्लियरिटी नहीं आती तो मैंने यहाँ पे क्या किया है पांच ऐसे स्टेट्स का एनालिसिस हमने लिया है पिछले पांच सालों का पांच तो बड़े स्टेट्स भी हैं साथ ही साथ वहां पे कट ऑफ भी है जो बहुत मतलब हाईएस्ट ही जाती है उस नंबर में राइट right? जैसे uh, 60 रेंज में हो गई कभी 50 की रेंज में हो गई तो मैंने वही पांच स्टेट पिक करें पिछले पांच सालों में वहां पे क्या कट ऑफ गई है तो आप में से जितने भी लोग उन स्टेट से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं आपको तो क्लियर कट आइडिया लग ही जाएगा बट बाकी के स्टूडेंट्स जो उन पांच स्टेट से अप्लाई नहीं करते तो आप वेबसाइट पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं बिकॉज बहुत लंबी चौड़ी टेबल हो जाती है उसको एक स्लाइड में दिखाना प्लस एक्सप्लेन करना प्लस वो नंबर्स आपको क्लियरली दिखाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं आप केवल टाइप कर दीजिए आईवीपीएस आर आरबी प्रीवियस ईयर कट ऑफ टेक्सट बुक तो पहला ही जो लिंक खुलेगा वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका एजेंडा रहने वाला है आज के इस सेशन का चलिए आगे स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम ग्रुप सभी के सभी आपको ज्वाइन करने इंडिविजुअल फैकल्टी के अलग अलग हैं दिस वन इज माइंड आप क्यू कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर नाम से सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कट ऑफ्स को डिस्कस हम लोग करते क्यों हैं भाई एग्जामिनेशन आया नोटिफिकेशन आया आपको पता है ये सिलेबस है मॉक टेस्ट देने हैं यूट्यूब सेशंस पे प्रैक्टिस करनी है इतना सफिशेंट है एग्जामिनेशन में चले जाते हैं लेकिन नहीं जिस भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी कट ऑफ क्या दर्शाती है उन कट ऑफ से देख के आपको कॉम्पिटिशन का लेवल पता चलता है राइट यही चीजें इंपॉर्टेंट मैं लिखिए आपको एनालाइज करने में हेल्प होती है कि कॉम्पिटिशन कितना है कॉम्पिटिशन हर बार इंक्रीज ही हो रहा है प्लस है कितना वो भी आपको यहाँ पर एनालिसिस करके मिलता है आपको एनालिसिस में हेल्प मिलती है कि आपका जो परफॉर्मेंस है मॉक टेस्ट में कहीं आप एक गलत फहमी में तो नहीं रह रहे कि भाई लेट्स अज्यूम चलिए आरआरबी का ही मान लेते हैं अस्सी मार्क्स का पेपर है आपका आ रहे हैं फोर्टी फाइव के अराउंडी टू फोर्टी फाइव और आप खुश हैं कि में तो तो चली जाती है इतने रहे तो हो ही जाएगा लेकिन उस वक्त आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए मे भी आप जिस स्टेट से एग्जामिनेशन uh, फॉर्म भर रहे हैं वहां पे इतनी में रेंज में कभी कट ऑफ गई नहीं जिस कैटेगरी से जिस स्टेट से आप भर रहे हैं वो हमेशा फिफ्टी प्लस ही रही है तो एक क्रॉस चेक हो जाता है कि भाई मैंने जितनी तैयारी की जितनी मैंने प्रैक्टिस की जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं पिछले सालों में जो ट्रेंड चला आ रहा है कट ऑफ मार्क्स के उसके आसपास भी हूं या बहुत दूर हूं या उस रेंज के काफी ऊपर हूं तीनों चीजें हो सकती है तो एनालिसिस करने के लिए भी आपकी हेल्प होती है हेल्प यू टू टू नो हाउ मच वी नीड इंप्रूव अगर आपके कट ऑफ जो एक रेंज है उससे काफी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एक टारगेट मिल जाता है कि यार मुझे ये दस मार्क्स का गैप कवर करना है फिर आप अपने मॉकटस एनालिसिस पे जाते हैं कि यार मेरे नेगेटिव मार्किंग हो का रही है गलतियां कहाँ हो रही है कौन से टॉपिक में कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में मेरी स्पीड एक्यूरेसी नहीं आ रही है क्वेश्चन तो ज्यादा सॉल्व कर लेता हूं बट नेगेटिव बहुत हो रहे हैं जब मैं क्वेश्चन कम सॉल्व करता हूँ नेगेटिव जो आपका आ, मार्किंग है वो कम हो जाती है लेकिन ओवरऑल स्कोर फिर आपका कम हो जाता है तो एक राइट बैलेंस आप कैसे बनाए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में ये सारी चीजें जब आपके पास एक बेंचमार्क होता है कि यार इतनी कट ऑफ है इससे ज्यादा ही लेके आनी है पांच दस नंबर तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं अपनी तैयारी करते हैं खुद को एनालाइज करते हैं ठीक है तो जो पांच स्टेट्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि आ, राजस्थान हो गया यूपी हो गया हिमाचल चलिए देख लेते हैं ठीक है तो ये पहला एक चार्ट के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन मिल पाए दिस वन इज फॉर राजस्थान ठीक है यहां पे मैंने ईयर्स लिख दिए हैं 19, 20, 21, 22, 23 यहां पे मैंने मार्क्स लिख दिए हैं आर आर बी पीओ प्रम्स कट ऑफ कहाँ का है राजस्थान का आई होप आपको अब अब देखिए यही चीज अगर मैं पूरी एक शीट में दिखाता सारे स्टेट की सारे कैटेगरी की तो आप खुद देखिए खुद सोचिए कितनी क्लियरिटी होती कुछ भी नहीं होती वो तो आप वेबसाइट पर जाके देख ही सकते हैं इससे अच्छा है जहां पे अच्छी कट ऑफ हायर एंड पे कट ऑफ जा रही है पांच स्टेट्स मैंने पिक करे उनकी कट ऑफ आप देख लेते हैं ठीक है तो देखिए 19 में आपकी 58 बीस में काफी अच्छी चली गई थी 66 और आपको पता है आउट ऑफ 80 की बात कर रहे हैं पीओ की बात कर रहे हैं तो कितनी ज्यादा है 60 रही थी 21 में 60.25 पॉइंटों में थोड़ा सा वेरी कर रहा है 22 में 54.5 2023 में तो यहां से अगर एक हम कंक्लूजन लेके जाए कि भाई ठीक है 5 साल का डाटा हमने देख लिया राजस्थान का बट इसका मतलब हम क्या निकालें मतलब हम यहां से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि कम से कम भी आपकी जो रेंज है 58 टू 65 मान लीजिए इस रेंज में तो आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए हालांकि 65 थोड़ा हायर एंड पे हो गया लेकिन हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है तो थोड़े से क्वेश्चंस भी गए थोड़े से इजी आ जा रहे हैं तो एक हम सेफर साइड पे लेके चल सकते हैं कि अगर आप राजस्थान से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं मॉक टेस्ट भी देंगे चलिए अभी आपने शुरू नहीं किया लेकिन कुछ दिनों बाद तो शुरू कर ही दोगे दिन ही कितने बचे हैं मैक्सिमम तीन महीने थोड़े से ज्यादा तो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इसके आसपास या इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है दूसरी तरफ जब आप मॉक टेस्ट देते हैं जैसे आप हमारे मॉक टेस्ट देंगे तो हम कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन लेवल से वो थोड़े से अच्छे लेवल के ही हों तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तीन चार मार्क्स का अगर आपके हमारे मॉक टेस्ट में लेट्स आ रहे हैं, तो आप में से थोड़े से कर सकते हैं आपके आ जाएंगे, 63 के आ जाएंगे, तीन चार मार्क्स का डिफरेंस रहता है और ज्यादा नहीं ठीक है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान से फिल करेंगे आप देख लीजिए डेटा आपके सामने है, पिछले पांच सालों का आर हैं प्रसिलिम्स का ठीक है सिमिलरली ये आपका यूपी का है उत्तर प्रदेश का है यहां पर भी कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार उसने 60 भी टच किया है है ठीक तो यहां पर भी अगर आप एक सेफ रेंज लेना चाहे तो कम से कम आप फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव इस रेंज में आपके स्कोर आना चाहिए नहीं आ रहा है राइट right? जो भी यूपी से आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं अगर इससे लेट सपोज बहुत कम रह रहा है

चार सालों तक 60 ही रहा था आसपास एक दो नंबर ऊपर नीचे 61, 60, 61 60, 59.5, पे 23 में थोड़ा सा कम हो गया है आपका छह नंबर लेकिन ट्रेंड को देखते हुए फिर से वही वाली बात है कि कम से कम भी तो नहीं 58 टू सिक्सटी कर लो इस रेंज में 55 टू 65 इस रेंज में आप आपके आ रहे हैं तो आप एकदम करेक्ट पाथ पे हैं अगर आपके मार्क्स देखिए 60 प्लस भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपने फिर भी गलत किए ही होंगे 100 परसेंट एक्सी हम कोशिश करते हैं लेकिन गलत तो हो ही जाता है तो अगर आपके 60 प्लस भी है तो भी आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि गलती कहाँ हो रही है नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है उसको इंप्रूव करो और ज्यादा मार्क्स आएंगे सिक्सटी आएंगे सिक्सटी आएंगे राइट तो ऐसा नहीं है कि सिक्सटी प्लस हो तो आप खुश हो गए आप तैयारी या प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट को एनालाइज करना ही छोड़ दें नहीं वो चीज आपको कंटिन्यू रखनी है ठीक है अगला स्टेट देखते हैं हिमाचल फिर से देख लीजिए कट ऑफ सारे स्टेट मैंने वही लिए जहां पे अच्छी अच्छी कट ऑफ्स हायर एंड पे जा रही हैं फिफ्टी नाइन पॉइंट तो 60 अभी तक इसने टच नहीं किया बट हाई इसको आप 60 कह ही सकते हैं तो फिर भी ऑन अ सेफर साइड आप 55 टू 62 टू सिक्सटी इतने मार्क्स इस रेंज में भी लेके ला रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में दैर इट इज वेल एंड गुड इफ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम हिमाचल ये हो गया आपका हिमाचल का ये हो गया आपका गुजरात का ठीक फोर्टी थ्री ये फिफ्टी नाइन है ऐसे मैं इधर चला गया फिफ्टी नाइन फिफ्टी सेवन फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव तो इसको एक सेफर रेंज में हम रख सकते हैं फिफ्टी टू सिक्स ठीक है फिफ्टी टू सिक्सटी इफ यू स्कोरिंग फ्रॉम गुजरात अगर आप गुजरात से अपीयर करते हैं तो आप सेफर एंड में लेकिन फिर भी उस स्कोर को और आगे स्ट्रेच करने का और मैक्सिमाइज करने का ट्राई जरूर करें जब भी आप अपना मॉक टेस्ट दें ठीक है जो स्टेट्स बच गए बाकी के सभी स्टेट जिन जो यहां पे कवर नहीं हुए तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया जाएगा वहां पे आप सारा देख सकते हैं टेबल बहुत बल्कि हो जाती है क्लैरिटी नहीं रहती इसलिए मैंने सोचा कि टॉप फाइव स्टेट्स को हम कवर कर लेते हैं जहां पे मैक्सिमम कट ऑफ जाती है ठीक है तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे अगले बार हम क्लर्क से रिलेटेड चीजें लेके आएंगे कि वहां पे कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा था थार तरीके से समझाएंगे कोई भी आपके एंड से सजेशन हो हो तो आप सेशन के एंड में जरूर नीचे पोस्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दैट हाउ यू कैन अवेल दिट्स ऑफ आर पेड कोर्सेज एंड अदर स्टडी मटीरियल जो आपकी तैयारी में आपको और हेल्प करेगा बूस्ट करेगा अपनी तैयारी को सिंपली आप टेक्सट बुक वेबसाइट पे जाएंगे सुपर कोचिंग क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दिख जाएगा आपको सारे कॉम्बोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी आपकी तैयारी के लिए आपको लगता है बेस्ट है उसके लिए आप जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप अगर एस एस रेलवे की भी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर दिस कॉम्बो केवल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक है यहाँ पे आपको प्री की क्लासेस मेन्स लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ यहाँ पे मिलता है इसी को थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं दैट इफ यू विश टू गो फॉर दिस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ठीक है जैसे ही परचेज नाउ करेंगे आपके पास चेंज प्लान कर लेंगे इसमें भी कौन कौन से अलग अलग प्लान्स हैं वो आप अच्छे से अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं ट्वेल्व प्लस सिक्स मंथ बैंकिंग इंश्योरेंस पैक है बुक के साथ आपको चाहिए तो बुक वाला मिल जाएगा लेट्स गो फॉर दिस वन जहाँ पे आपको बैंक से रिलेटेड बुक्स भी हैं यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आप तो इससे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जस्ट टाइप जी आर वी कोड विल बी जी आर वी जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड अल्टीमेटली और आपकी सेविंग्स हो पाएंगी एंड अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन ठीक है तो सेशन को ही वाइंड अप करते हैं थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टेक केयर एंड गुड बाय